नमस्कार, रुआ लोग आज तक देख रहल बानी। रुआ सभे के पसंदीदा भोजपुरी बुलेटिन एकदम चकाचक और तरोताजा अंदाज में हम लेके आयल बानी। राजनीति, क्रिकेट, चाहे कौनो अपराध और फिल्मी दुनिया के खबर हो, एकदम बढ़िया बढ़िया खबर बिना कौने मिर्च मसाला लगाए ले हम रुआ खातिर लेकर आयल बानी। ई खबर रुआ खाती है त इहे लगी खबर किसन लागल, ई सब बतावल जाए, तुरंत कमेंट करी। उद्धव ठाकरे अवरी कांग्रेस के बीच भईल असहमति के जड़ लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजा बा। अगर कांग्रेस के भाजपा से ज्यादा सीट ना मिलल रहित, अवरी उद्धव ठाकरे के सीट के संख्या भाजपा के बराबर ना रहित, त ऐसन स्थिति ना पैदा होत। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस के अधिकतम 13 सीट मिलल, जबकि उद्धव ठाकरे के शिवसेना अवरी भाजपा के 9-9 सीट मिलल। इस सबसे बड़ जीत बा जवना से कांग्रेस के मोलभाव करे के मौका मिलल बा। अब उरी उद्धव ठाकरे के सीट बंटवारा के मुद्दा पर मजबूती से मैदान में खड़ा होके के मौका मिलल बा। चुनाव से बहुत पहले शरद पवार इहो कहले रहले कि उनकर पार्टी लोकसभा से ज्यादा सीट पर विधानसभा में दांव लगाई। जब उद्धव ठाकरे मौका देख के महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री पद पर दावा बढ़ा रहल बाड़े, आ एही बीच भाजपा के उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नज़दीकी के चर्चा अलगा से आग लगा रहल बा। भले ही बैठक के बतकही के अफवाह मान लिहल जाव त संजय राउत ओह तारीफ से इनकार नैखन कर सकत जवन प्रियंका चतुर्वेदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहले बाड़ी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लेखे इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा के तस्वीर लगभग साफ बा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक के बाद इंडिया अलायंस के सीट बंटवारा के फार्मूला सोजा आयल बा, जवना के तहत कांग्रेस झारखंड के 29 सीट पर चुनाव लड़ सकेले। दरअसल सोमवार के कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति में झारखंड विधानसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवार के नाम पर चर्चा भईल। पार्टी मुख्यालय में भईल सीईसी के बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के संसदीय दल प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहल राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष केशव महतो व झारखंड से कुछ और वरिष्ठ नेता लोग भाग ले ले। अतवार का दिने राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 70 सीट पर चुनाव लड़े के ऐलान पर नाराजगी जतवले रहुवे, आ कहले रहुवे कि ऊ 12 से कम सीट ना स्वीकार करी, आ अगर ओकरा अकेले लड़े के पड़ी त ओह हालात में भी इंडिया गठबंधन के संभावना के नुकसान ना पहुंचावे के। हालांकि ऊ इहो कहले कि राजद के पहला उद्देश्य भाजपा के हरावल बा। संघी खबर बा कि तेजस्वी यादव अवुरी हेमंत सोरेन के बीच के सौदा भी फाइनल हो गईल बा। बिहार में सरकारी कर्मचारी अवुरी पेंशन भोगी के जल्दीए बड़ उपहार मिल सकता। आजू मंगलवार 22 अक्टूबर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में ईगो महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल के बैठक हुई। मानल जाता कि नीतीश सरकार मंत्रिमंडल के बैठक में दिवाली अवुरी छठ से पहले सरकारी कर्मचारी के डीए में बढ़ोतरी के उपहार दे सकता। बता दी कि सरकारी कर्मचारी आ पेंशन भोगी के डीए में 3% के बढ़ोतरी हो सकेला। सूत्र से मिलल जानकारी के मुताबिक नीतीश सरकार दिवाली अवुरी छठ जैसन त्योहार से पहले कर्मचारी के उपहार देवे के मूड में बिया। बतावल जाता कि सरकारी कर्मचारी अवुरी पेंशन भोगी के महंगाई भत्ता में 3% के बढ़ोतरी कईल जा सकता। अगर ऐसन भईल त कुल डीए बढ़ के 53% हो जाई। फिलहाल कर्मचारियन के 49% डीए मिल रहल बा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 7वां वेतनमान के कर्मचारी के 3% डीए के लाभ मिल जाई। 7वां वेतनमान के तहत बिहार में करीब 5 लाख कर्मचारी के वेतन मिलेला। सरकारी स्कूल में भी लगभग 5 लाख शिक्षक बाड़े। एकरा अलावे राज्य में करीब 4 लाख पेंशन भोगी बाड़े। कश्मीर के गांधरबल जिला में इतवार का रात ईगो सुरंग निर्माण कंपनी के कैंप साइट पर भील आतंकी हमला में ईगो डॉक्टर आछे मजदूर के मौत हो गई। पाकिस्तान के आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ए हमला के जिम्मेवारी ले लिया लेबा। टीआरएफ लश्कर ए तैयबा के ईगो हिस्सा हुए। पाकिस्तान के ईगो और आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट टीआरएफ के तारीफ करत एकरा के रणनीतिक हमला बतवले बा। पीएफएफ के कहना बा कि ई हमला भारतीय सेना के पूर्वी सीमा का ओर तैनाती में बाधा डाले खातिर
किल गईल बा। पीएफएफ अपना बयान में चीनी दोस्त के भी जिक्र कईले बा, जवना से चीन के ए हमला में शामिल होके शक पैदा हो गईल बा। हालांकि अधिकारी लोग के कहनाम बा कि पीएफएफ के बयान से बीजिंग के शामिल होके के समर्थन करे वाला कवनो सबूत नहीं खे। बंगाल के पूरब मध्य खाड़ी में एगो संभावित चक्रवात धीरे धीरे आपन ताकत बढ़ा देहले बा, जवना के नाम डाना राखल गईल बा। मंगल का सवेरे ले ई गहिरा दबाव वाला इलाका में बदल जाई, आ बुध का दिने चक्रवात में बदल जाई। भयंकर चक्रवात में बदलत ई 24 अक्टूबर के सवेरे बंगाल के उत्तरी खाड़ी में पहुंच जाई। एकरा बाद ई उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ी, आ 24 अक्टूबर के रात भा 25 अक्टूबर के सवेरे के बीच ओडिशा के पुरी आ बंगाल के सागर द्वीप पुंज के बीच तट पार करी। एह दौरान हवा के गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होखे के संभावना बा। एकरा असर का चलते ओडिशा के तटीय इलाका में खुद 23 अक्टूबर से बरखा शुरू हो जाई। एह तूफान के सीधा असर बिहार पर भी पड़ी, आ 25 तारीख के सवेरे से बिहार में भारी बरखा के संभावना बा। त लोग के भोजपुरी भाषा में आज तक के ई बुलेटिन कैसन लागल जरूर बताई, काहे कि हमनी खबर रुआ खातिर लेके आयल बानी जा। आ रुआ लोग के दिहल सुझाव हमनी खातिर बहुत जरूरी बा। एह गर्मी में आपन बढ़िया से देखभाल करी।